हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिनी मैथ। यहाँ मैं आपको क्लास वाइज और चैप्टर वाइज पूरा मैथ्स ट्यूटोरियल प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ टाइम टू टाइम पर मिलते रहें। हेलो एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1। हम 4.1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है इसके प्रीवियस वीडियो में। अगर आपको वो नहीं मिल रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके रेफर कर सकते हैं। हमने उसमें देखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जिसे हम बोलते हैं वो कुछ ऐसा होता है जिसमें a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें क्या चेक करना है कि इनमें से ये जो सारे हैं क्वेश्चंस 1-8 वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए इससे क्या होना पड़ेगा, इसके फॉर्म में होना पड़ेगा, इस इक्वेशन के फॉर्म में। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 3, करेक्ट। तो हमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे ओपन अप करना पड़ेगा। तो हमें क्या पता है, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो चलो इसको फॉर्म में खोल देते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये ओपन अप होने के बाद हो जाएगा। तो चलो हम यहाँ पे रीराइट कर लेते हैं इसे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू, अभी 2 पहले मल्टीप्लाई होगा 2x और फिर इधर ये मल्टीप्लाई होगा माइनस 6, करेक्ट। अब क्या करें, रीअरेंज कर लें, इस फॉर्म पे हमें लाना है। तो x स्क्वायर वाला तो सिर्फ एक ही है, तो x स्क्वायर प्लस 2x और ये वाला 2x प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस 1 और ये प्लस 6 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। हमने सारे टर्म्स को एक ही तरफ शिफ्ट कर दिया। ओके, तो x स्क्वायर, अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो ये 2x प्लस 2x एंड माइनस 2x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो फिर इसे हम कैंसिल कर दिए और ये क्या बच गया हमारे पास, 1 प्लस 6 है 7 इक्वल टू 0। तो अब हमें देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है क्या। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमें पता है a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज अ कांस्टेंट टर्म। ओके, तो यहाँ पे हमें c तो मिल रहा है, c मिल गया 7 और x स्क्वायर तो है लेकिन a क्या है यहाँ पे 1 है। चलो a की वैल्यू हमें पता चल गई 1, c की वैल्यू पता चल गई 7, लेकिन यहाँ पे b का टर्म गायब है ना, b का टर्म गायब है। तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 0 इंटू x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तभी हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे बी वाला टर्म नहीं है, मतलब एक्स का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब ये कहीं ना कहीं बी जीरो होगा, तभी ये वाला पूरा टर्म जीरो हो गया होगा, राइट। तो यहाँ पे हमें इससे बी की वैल्यू क्या रख सकते हैं, हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि ये जीरो हुआ होगा, इसी कारण ये इक्वेशन में हमें x वाला टर्म दिख ही नहीं रहा है, ये हमारा आंसर है, राइट। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हमें ये वाला इक्वेशन फुलफिल कराना है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये आ गया ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म पे, दैट मीन्स दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये है, करेक्ट है, समझ में आ गया। इतना हम ऐसे ही ना सारी चीजों को करेंगे, लाइक अभी मैंने जितना एक्सप्लेन किया है आप उसको समझिए। मैं अभी सेकंड क्वेश्चन से थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 ऑफ 3 माइनस एक्स। ओके, तो चलिए हम पहले ओपन अप कर लेते हैं ब्रैकेट्स को। ये तो LHS तो वैसे ही रहेगा, इसे मल्टीप्लाई किया तो कितना है माइनस 6 और इधर मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x। तो चलिए रीअरेंज कर लें, x स्क्वायर माइनस 2x, इस साइड के सारे चीजों को इस तरफ शिफ्ट कर दिया हमने, तो क्या लिख लेंगे, माइनस का तो प्लस है तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 6 है तो प्लस 6 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो कितना आ गया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस c 6 इक्वल्स टू 0 आ गया। इसी फॉर्म पे a x स्क्वायर, a क्या है यहाँ पे 1
माइनस नहीं होता है, प्लस होता है, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए कितना मिल गया हमें वन, बी कितना मिल गया हमें माइनस फोर, और सी कितना मिल गया हमें सिक्स। ऐसे ए बी सी का वैल्यू बताना नहीं है, लेकिन मैं आपको इक्वेशन ऐसे बन रहे हैं और हमें आंसर मिल रहा है ये बता रही हूँ। ओके, तो ये इस फॉर्म पे है, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में। दैट मीन्स ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, देखते हैं कैसा दिया इक्वेशन। एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस थ्री। हमें इक्वेशंस को ओपन तो करना आता ही है, ब्रैकेट को पहले वाले टर्म से पूरे इस एंटायर वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरे वाले टर्म से फिर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं पूरे वैल्यूज को, है ना। तो चलो करना स्टार्ट करते हैं। एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स इज एक्स स्क्वायर, फिर एक्स इंटू प्लस वन, दैट मीन्स एक्स, यही इसी के अकॉर्डिंगली माइनस टू एक्स माइनस टू इक्वल्स टू, वैसे ही इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री। ओके, ये हो गया। तो अब हम अगर सबको एक तरफ शिफ्ट कर लें तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स एक्स वाले को मल्टीप्लाई वो कर लें, रिड्यूस कर लें, एक्स माइनस टू एक्स कितना होगा माइनस एक्स माइनस टू। अब इधर वाले से रिड्यूस कर लें तो ये कितना हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा, है ना, प्लस टू एक्स। तो इधर इस तरफ आके वो भी क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स हो जाएगा। तो हम पहले इसे लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री हो जाएगा, करेक्ट है, इक्वल टू जीरो। अभी भी एक्स स्क्वायर और एक्स वाले टर्म को हम काट सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया, बचा क्या माइनस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। ये कितना हो जाएगा माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो ये फॉर्म क्या हो गया हमारे पास, ये फॉर्म आया क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस ये होता है ना, जिसमें क्या होता है ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रीराइट करने की कोशिश करूँ इसी को, तो ये क्या होगा, ए की वैल्यू अगर मैं जीरो रख लू, जीरो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, मतलब बी की वैल्यू माइनस थ्री है। ओके, तो बी की वैल्यू माइनस थ्री एक्स प्लस सी की वैल्यू कितनी है वन। ओके, सी की वैल्यू कितनी है वन इक्वल टू जीरो। तो ये इस फॉर्म में आ गई क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। सी ये हो गया, बी ये हो गया, ए ये हो गया, लेकिन हमने क्या पढ़ा है, हमने कंडीशन पढ़ा है दैट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ए तो वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्लियर है, क्या किया हमने इसे ओपन अप करने के बाद, जब हम इसे सॉल्व करें तो हमें आंसर क्या मिला, थ्री एक्स प्लस वन। ओके, माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। लीनियर इक्वेशन है ये, क्योंकि इसका पावर क्या है वन है, अगर टू होता तो ये क्वाड्रेटिक होता, लेकिन इसका पावर वन है, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट कवर करते हैं जल्दी से। वैसे ही एक्स माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स प्लस फाइव। ओके, तो मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस फाइव एक्स। रीअरेंज कर लें, सबको एक तरफ ले आते हैं, ये एक्स एक्स वाले टर्म को अगर मैं रिड्यूस कर लूँ तो क्या हो जाएगा माइनस फाइव एक्स हो जाएगा, माइनस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस फाइव एक्स इक्वल टू जीरो। अब ये एक्स स्क्वायर है, ये वाला भी एक्स स्क्वायर है, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, सिंपली एक्स स्क्वायर। ओके, अब ये भी ये क्या है माइनस फाइव एक्स और ये माइनस फाइव एक्स, तो कितना एक्स वाला टर्म है उसको क्या लिख सकते हैं, माइनस टेन एक्स इक्वल माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया हमारा फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म पे। ओके, हो गया हमारे पास ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू माइनस टेन, सी की वैल्यू माइनस थ्री। ओके, तो ये हमारा फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स ए वन है, तो फिर हमारा ये फॉर्म सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स ये करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट, क्या हमारे पास टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू एक्स प्लस फाइव एंड एक्स माइनस वन। गाइज अगर आपको ये समझ में आ गया तो मैं चाहूंगी कि आप इसे खुद से करिए, आप वीडियो बाद में उसे देख के आप उसका सोल्यूशन वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने कहाँ पे मिस्टेक किया है कहाँ पे सही किया है। ओके, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि बाकी के चारों पार्ट आप खुद से भी करें ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ पे आपसे गलतियां हो रही है, किस चीज को करने में गलतियां हो रही है। ओके, तो चलिए अब हम इसे ओपन अप कर लेते हैं, ब्रैकेट्स खोल लेते हैं, कितना हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस वन इंटू माइनस थ्री। ये वाला क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फाइव एक्स
माइनस फाइव, करेक्ट है। चलो अब रीअरेंज कर लेते हैं, 2x स्क्वायर, इन दोनों को मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू x स्क्वायर, इन दोनों को क्या लिख सकती हूँ, प्लस 4x माइनस 5, ओके। तो चलो अब एक साइड में शिफ्ट कर देते हैं हम इसे, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 5 हो जाएगा, जो भी प्लस साइन है इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, जो भी माइनस साइन है इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्लियर है। तो चलो अब आगे देखें इसमें, ये भी x स्क्वायर ये भी x स्क्वायर वाला, तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, करेक्ट। अब ये माइनस 7x और ये माइनस 4x, तो कितना हो जाएगा, माइनस 11x, करेक्ट। प्लस 3 एंड प्लस 5 क्या बन जाएगा, प्लस 8 इक्वल टू 0 आ गया इसी फॉर्म पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में। ए क्या है, 1 है यहाँ पे, ओके, तो फिर ए इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मींस दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर। नेक्स्ट देख, चलो ये सिक्स वाला देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब ये कौन से फॉर्म पे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। तो अगर मैं इसको ओपन अप कर लूं तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2, a के जगह पे x है और b के जगह पे क्या है, 2 है, ओके। तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू माइनस ऑफ दिस इज 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ओपन अप करने से ये मिल जाएगा इसे, ओके। तो हम अब ये RHS के तरफ ये लिख देते हैं, ठीक है। तो फिर रीराइट कर लेती हूँ, x square plus 3x plus 1 equals to x square minus 4x plus 4, okay? अब हम क्या करते हैं, इसके बाद सबको एक तरफ शिफ्ट करते हैं, कर लेते हैं, x square plus 3x plus 1, ये plus x square इधर जाके क्या हो जाएगा, minus x square, minus 4 इधर जाके क्या हो जाएगा, plus 4x, प्लस 4 है तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ओके। तो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया, बचा क्या, 3x और 4x, क्या हो जाएगा ये, 7x, और प्लस 1 और माइनस 4, तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है क्या, तो हमने एक और क्वेश्चन देखा था, ये थर्ड वाला है ना, उसी के जैसा हो गया ये भी, ये क्या है, डिग्री क्या है, 1 है, दैट मींस ये कितना हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अगर हम इसको लिखते भी तो क्या होता है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख पाते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक वाले में होता है, लेकिन a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इस कंडीशन को भी फुलफिल नहीं कर रहा है, दैट मींस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, सेवेंथ वाला क्या है हमारे पास क्वेश्चन, x प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, ओके। गाइज आपको ये फॉर्मूले याद रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है, क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ओके। तो अब ये क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब है, अब इसको इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली क्या कर लें, हम ओपन अप कर लें, तो क्या होगा, x क्यूब, ओके, फिर क्या होगा, प्लस 3 इंटू x स्क्वायर और b कितना हमारे पास 2, ओके, अगेन 3 इंटू x और b कितना हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस b क्यूब, दैट मीन्स किसका क्यूब, 2 का क्यूब, ओके। लिख लें अगर हम इसे, x क्यूब प्लस 3 टू जा 6x स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा ये, और ये 3 हो जाएगा, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा ये, 12x प्लस 8। तो इस साइड का ये LHS वाला साइड है, LHS वाले को हम इधर लिख लेते हैं, x cube plus 3x square plus 12x plus 8 equals to इधर कितना है, 2x x square minus 1, तो इसे ओपन अप कर लें अगर हम, तो ये कितना हो जाएगा, 2x cube minus 2x, और ये वाला as it is, x cube plus 6x square plus 12x plus 8, अब shift कर लें दूसरे साइड में, है ना, तो क्या कितना हो जाएगा, x cube plus 6x square plus 12x plus 8 equals to कितना हो जाएगा, okay, हम shift कर रहे हैं ना, तो plus 2x cube है तो कितना हो जाएगा, minus 2x cube, और ये plus 2x equals to 0, तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये कितना मिलेगा मुझे, minus x cube इन दोनों के कारण, okay, फिर x square वाला और कुछ नहीं है क्या, okay, नहीं है, तो 6x square as it is, फिर plus 12x and plus 2x, तो कितना हो जाएगा, plus 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ax square plus bx plus c equals to 0,
where a is not equals to 0, right? तो यहाँ पे ax square plus bx plus c तो है, लेकिन यहाँ पे और भी क्या है, x cube भी है. मतलब ये कौन सा फॉर्म है, ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, ना कि क्वाड्रेटिक. ओके, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्यूबिक है. तो ये वाला जो हमारा सेवेंथ वाला है ना, राइट, सेवेंथ वाला क्या हुआ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ. नाउ टेक द एट्थ वन वाला. ओके, एट्थ वाला हमारे पास क्या इक्वेशन, ये वाला डायरेक्टली यहीं से देखते हैं. ओके, ये वाला इक्वेशन है एट्थ वाला. इसमें क्या है, x माइनस टू का होल क्यूब. हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ये होता है. इसे अगर मैं ओपनली लिख लू तो क्या होगा, ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब. ओके, तो ये होता है फॉर्मूला हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब. इसी को अगर मैं इस पे प्लेस करूं, दैट मीन्स x माइनस टू का होल क्यूब इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x क्यूब माइनस थ्री x स्क्वायर और b कितना है, माइनस टू. इट्स नॉट माइनस टू, इट्स ओनली टू, बिकॉज इसके माइनस साइंस इसमें ही लग जाते हैं. ओके, प्लस थ्री इंटू ए इज x एंड टू का स्क्वायर माइनस टू का क्यूब. ओके, तो ये कितना आ जाएगा, x क्यूब माइनस थ्री टू जा सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, एक्स ओनली नॉट स्क्वायर माइनस एट. तो ये हो गया इसका क्यूब ओपन करने के बाद. ये कौन सा टर्म है, आर एच एस है हमारे पास, है ना. तो चलो अब फिर से इसे रीराइट कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये वाला टर्म. और ये कितना आ गया हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस थ्री सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस एट. ओके, तो अगर या तो हम डायरेक्टली यहां से ही काट लें, क्योंकि ये इधर जाके क्या होने वाला है, माइनस ही होने वाला है, या तो फिर हम शिफ्ट कर लेते हैं. तो यहां से काट लिया मैंने क्यूब वाला टर्म, बाकी सबको हम क्या कर ले, शिफ्ट कर लेते हैं. ओके, तो ये माइनस है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स एंड प्लस एट इक्वल्स टू जीरो. ओके, तो एक्स स्क्वायर वाला देख लूं अगर तो कितना हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स वाला देख लूं तो माइनस थर्टीन एक्स एंड दिस बिकम्स प्लस नाइन इक्वल्स टू जीरो. हो गया ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो के फॉर्म में, राइट. तो ये भी एक हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके गाइज, यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट होता है. मैं अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स पे. ओके, सी यू स्टूडेंट. सेम टाइप के क्वेश्चंस एग्जांपल में भी हैं, आप ट्राई जरूर करिए. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सबके लिए अच्छा होगा. गाइज, अगर आपको फुल एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी. एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशन एक्सरसाइज वाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. थैंक यू.